जम्मू कश्मीर सरकार की नाकामी और खासकर बीजेपी मंत्रियों की नाकामी के खिलाफ आज जम्मू में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और साथ ही जो यहाँ की अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो आज सड़कों पे उतरी हैं और जम्मू में आज जम्मू बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। इस समय आप देख सकते हैं पैंथर्स पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा ये टायर जलाकर यहाँ पर अपने गुस्से का इजहार जो है वो यहाँ पर किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने साफ कहा है कि लगातार जम्मू के जितने इश्यूज हैं, खासकर जो यहाँ पर रोहिंग्यास का मुद्दा है, साथ ही यहाँ पर जो डेवलपमेंट के कई मुद्दे हैं, चाहे वो तभी नदी की लेक का मामला हो या फिर दूसरे जो यहाँ पर डेवलपमेंट के मुद्दे हो, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी और पीडीपी की सरकार नाकाम हुई हुई है और जिसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट के जो काम होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। आज क्या करने वाले हैं जम्मू में? देखिए, आज जम्मू बंद है, मुकम्मल तौर पर बंद है और हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, जम्मू के साथ न्याय होना चाहिए और यही नहीं होता है तो जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाना। पैंथर्स पार्टी के नेताओं का और खासकर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका साफ कहना है कि बीजेपी जो है जिस तरह के वादे उन्होंने यहाँ पर जम्मू के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ किए थे वो कहीं ना कहीं उसमें नाकाम साबित हुई है उन सभी वादों को पूरा करने में। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाह नवाज खान, न्यूज़ जम्मू।